सो गुड मॉर्निंग गाइज, और आज हम जा रहे हैं संडे राइड पर। आज है संडे और सुबह के हो रहे हैं 5:30, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को संडे राइड गए हुए। अपनी बाइक भी 3-4 दिन से खड़ी है, काफ़ी गंदी हो चुकी थी, इसलिए मैंने आज बहुत तरीके से इसको साफ़ करी है। स्पोक व्हील की वजह से इसके व्हील साफ सही से नहीं हो पाते, लेकिन जितना हो सका था अपने ने साफ़ कर दिया। और ये अपने हेलमेट, अब इसमें से 2 हेलमेट निकालेंगे, और मेरा भाई जा रहा है साथ में, तो वो भी कह रहा है कि चल मैं भी चल रहा हूँ संडे राइड। वहाँ पर काफ़ी सारे बाइकर्स आते हैं सुपर बाइक लेके, तो उसका भी देखने का मन है, उसका स्पेशल NR देखने का मन है। तो देखते हैं, वहाँ पर हुआ तो या तो ग्रुप के साथ जाऊँगा मैं, नडीन के साथ, जो कि उनका MBS मॉल पर मीटअप पॉइंट है। अगर वहाँ नहीं गए तो उसके बाद वरना हम जाएंगे थोटर शोटर। तो काफ़ी लेट हो रहे हैं, 5:45 होने वाले, निकलते हैं फटाक से और बाइक को निकालते हैं बाहर, और मिलते हैं आपको दौलत हुआ। सो गाइस, बाहर निकाल लिया अपनी बाइक को और स्टार्ट कर दिया कोल्ड स्टार्ट, और अब निकल रहे हैं। निकलते निकलते अपने को हो गए 6:00, बाकी अरे ये स्टैंड लगा हुआ था शायद, हो गई स्टार्ट हो। तो निकल रहे हैं एक तो बदरपुर, शायद कैमरा थोड़ा ज़्यादा नीचे है, थोड़ा और ऊपर कर ले, थोड़ा ये सही है। सो गाइस, फाइनली निकल गए, और अब 4-5 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसके वजह से संडे राइड सारी मतलब ख़राब हो रही थी, बट अभी ठीक है, अब मौसम काफ़ी अच्छा है और 6 बनने वाले हैं। अभी प्रॉपर तरीके से उजाला नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे, वैसे तो पहुँचते अपने को उजाला हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। दौला कुआँ यहाँ से लगे कम से कम 30 मिनट, हाँ लेट हो गए तो हो सकता है कि थोड़ी सी भगानी पड़े गाड़ी। और रही बात पेट्रोल की, पेट्रोल भी वहीं से डलवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से डलवाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम धौला कुआँ से पेट्रोल डलवा लेंगे। वहाँ पर पेट्रोल पंप है मुड़ते के साथ ही। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। सो गाइस, पहुँच चुके हैं करोल बाग। ये राइट साइड को अपना करोल बाग पड़ता है, और लेफ्ट साइड को पड़ेगा अपना झंडे वालन मंदिर, और अपने को लेना है राइट धौला कुआँ, और ये रहे हनुमान जी, जय हनुमान जी की। अब अपने को जाना है राइट, और काफ़ी सारी, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे राइडर्स यहाँ पर भी खड़े हैं बैनली। अपने को अभी जा रहा है थोड़ा आगे, यहाँ पे काफ़ी सारे साइकिल वाले भी बंदे आते हैं, ये देखो काफ़ी सारे साइकिल वाले भी है, साइकिलिंग भी करते हैं अपने। मैंने भी बहुत चलाई है अपने टाइम पे, काफ़ी चलाई है, लेकिन अब थोड़ा मन सा नहीं करता साइकिल चलाने में। अब यहाँ से अपना धौला कुआँ रह गया है करीब, यहाँ से होगा 5-7 किलोमीटर होगा धौला कुआँ यहाँ से। मेरे को लगता है कि शायद मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, क्योंकि नडी नूब के ग्रुप वाले, वैसे तो उनका मीटअप पॉइंट होता है आपका 6:00 का, अब देखो उन्हें पहुँचते निकलते निकलते कम से कम हो जाता है उनको 6:30 या 7:45। देखते हैं, अगर वो मिलते हैं, अगर मूड बनता है तो उनके साथ जाते हैं, अगर वो अब सुनने में आए कि वो जा रहे हैं वहाँ पर। ओह, हेडलाइट पड़ गई, रोक लो यहाँ पर।
सो गाइस थोड़ी सी दूर पर अपना है धोलाकुआ का पेट्रोल पंप, और बाइक की बात करें तो बाइक चल रही है बहुत ज़्यादा स्मूथ। ऐसा मेरे को लग रहा है कि मतलब 3-4 दिन बाइक खड़ी होने के बाद मतलब काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक तो, और ऊपर से थोड़ी मतलब तीन चार पाँच दिन से खड़ी थी तो उसके वजह से इसकी चेन भी काफ़ी ड्राई हो गई थी, तो इसके वजह से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ल्यूब डाल दिया तो मतलब चेन काफ़ी स्मूथ हो गई। बस थोड़ा सा आगे अपना धौलाकुआ का पेट्रोल पंप है, अब 2 की जगह हो गए, मतलब 3 की जगह हो गए 2 सेल, और अब कॉन्टिनेंटल जीटी मांगती है पेट्रोल, तो अब इसको करवाएंगे फुल, क्योंकि अगर फुल नहीं करवाया तो अपनी राइड में हो सकती है दिक्कत। इसके चक्कर में इसको करवा लेंगे हम फुल। अभी तक राइडर दिखे थे मैंने पीछे खड़े हुए थे, राइडर काफ़ी मतलब बैनली वाले खड़े हुए थे, 3-4 मतलब 4-5 शायद ज़्यादा थे, मैंने इतना गौर नहीं करा, स्पीड ज़्यादा थी। बस यहाँ से मुड़ने के बाद अपना आ जाएगा धौलाकुआ का पेट्रोल पंप। बस ये बात है कि अगर अब मैं जा रहा हूँ, वैसा तो मैं जब भी गया हूँ हमेशा धौलाकुआ के पेट्रोल पंप पे हमेशा मतलब पेट्रोल के रेट अपडेट हो रहे होते हैं, बस आज ना हो, कि बार बार यही होता है मेरे साथ। हम देखते हैं बाकी, अगर वही है कि अगर दोबारा पेट्रोल पंप के अगर रेट अपडेट हो रहे होंगे तो फिर उसके बाद दोबारा आगे से डलवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, डलवाना तो है ही। अरे यार ये ट्रक के चक्कर में कहीं कटना अलग तो हो जाए। और ये रहा अपना, बस आप आज दोबारा बस पेट्रोल अपडेट ना हो रहा हो, बस शुक्र है शुक्र है आज तो नहीं। क्या करें, यहाँ से डलवा लें कि आगे से डलवा लें? चलो ऐसा करते हैं थोड़ा आगे से डलवाते हैं। सो गाइस अपने भाई को देखने टैनर, लेकिन अभी तक दिखी नहीं है, यहाँ पर भी टैनर वाला कोई खड़ा नहीं था, तो होप करता हूँ कि हो सकता है शायद आगे हो, तो अभी हम डलवाएंगे पहले पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल हो रहा अपना बिल्कुल डाउन, तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर आराम से बाइकें देखेंगे, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे यार एक और कॉन्टिनेंटल जीटी वाले, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जीटी कितनी ज़्यादा नीचे है, बट शायद मैं ही काफ़ी नीचे हूँ ना, तो इसके चक्कर में शायद लग रहा है। थोड़ा रेफ करेंगे दोस्तों, पेट्रोल डलवा लिया अपने, फुल करवा ली टंकी, और अब निकलते हैं, देखते हैं अगर ग्रुप वाले खड़े हुए तो उनके साथ जाएंगे। यार पुल नहीं दिखा रहा मेरा तेल, चल बैठ, 2 सेल दिखा रहा है, पर घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा होता है कॉन्टिनेंटल जीटी में, अभी अपने आप ही पुल दिखाने लग गया, अभी हल्की सी चलेगी ना तभी पुल दिखाने लग गया। ZX10R देख रही है ना, ये रही नहीं, वो 650 है, ZX10R देखनी है, ZX10R, लेकिन कहाँ से देखे अभी तक दिखी नहीं, देखो शायद रास्ते में दिख जाए। ओहो क्या बात है, डरा दिया यार भाई ने तो बिल्कुल। और ये जा रही है अपनी 310R। अब ये बात है कि जो 310R है ना, जो मतलब BMW वालों ने लॉन्च करी है, तो हो सकता है कि BMW वालों की शायद ज़्यादा बिके 310R, क्योंकि BMW ब्रांड आ गया है ना उसमें। वैसे तो TVS भी अच्छा ब्रांड है, बट BMW वाले अगर अपने में निकाल रहे हैं तो फिर अपनी सर्विस भी अपने में ही करवाएंगे फिर, एक तो बाहर भी तो सर्विस नहीं होती, और ऊपर से सुपर बाइक को
मतलब एक अच्छी बाइक को बाहर छिड़वाने का मन नहीं करता। सो गाइज आ गए अपने मीटअप पॉइंट पे और ये एम्बियंस मीटअप पॉइंट। अब देखते हैं अपने साथ के राइडर्स यहाँ पर आए हैं कि नहीं, मतलब नडी नूप वाले। वैसे तो काफ़ी लेट जाते हैं, क्या पता आज जल्दी ना चले गए। ये तो नहीं है अपना ग्रुप, ये तो नहीं है। अरे यहाँ पर तो है ही नहीं, मुझे लग रहा आगे खड़ा है क्या, मेरे को लगता आगे होगा। पता नहीं कहाँ, मेरे को लग रहा कहीं अपना ग्रुप निकल तो नहीं गया। सो दोस्तों आप निकल रहे हैं यहाँ से थोटल शोटल के लिए। अब यहाँ पे आप बाइकों का लाइनअप देखो, सारी बाइकें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। S1000RR, वैसे ये तो मेरी फेवरेट बाइक है ये वाली, और ZX10R। बाकी अब यहाँ से धीरे धीरे राइडर्स जा रहे हैं और अब हम जाएंगे थोटल शॉटल वहाँ पर। अब भाई तो बोल रहा था कि रहन दे वहाँ पर मत जा, मैंने कहा यार चलते हैं यार, संडे राइड अपनी कंप्लीट भी तो करनी है, थोटल शॉटल चलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से घर के लिए आएंगे। चलो निकलते हैं तो सुनाते हैं अपनी GT की आवाज़ आपको, चलें। भाई फोन ना संभाल के रखियो नीरज, ठीक है आ जा। सो गाइस अब निकलते हैं थोटल शॉटल के लिए। अब ग्रुप वाले तो हैं नहीं तो हम ही चलते हैं। अच्छी अच्छी बाइकें आई थी, ZX10R थी वो भी अपने ने देख ली, अब भाई ने भी देख ली छोटे वाले ने। मतलब ZX10R ना मतलब बहुत सही बाइक है। मतलब अब BMW तो ये है कि काफ़ी महंगी पड़ जाती है वो, लेकिन 10R तो 10R भी महंगी है, वो भी सस्ती नहीं है। अब जा रहे हैं थोटल शॉटल। शटल कहाँ चला गया, ये है असली R15। और ये रहा थोटल शॉटल। और ये रहा अपना थोटल शॉटल। अबे
एकदम रेस लग गई थी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए थोटल शॉटल, अभी आएंगे, आना चालू होगी अभी आना चालू होगी भाई, स्टार्टअप है ना। फाइनली थोटल शॉटल पहुंच गए और ये एक और कॉन्टिनेंटल जीटी रेड। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine. So, दोस्तों आप निकल रहे हैं घर के लिए अपने थोटल शॉटल से। अब निकालते हैं बाइक को थोड़ा, एक तो बिल्कुल ही अंदर दबी पड़ी है, बट कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो निकलते हैं अब घर के लिए, चलो। नीरज सो गाइस आप जा रहे हैं हम घर और ये रही थी 900। क्या सही टायर है इसका, टायर बड़ा सही है, कितना ब्रॉड टायर है, बहुत बढ़िया। सो गाइस थोटल शॉटल से आप जा रहे हैं घर, संडे राइड। बहुत टाइम बाद करी तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे बाइक्स देखने को मिली, ZX10R, S1000RR, मतलब मैंने देख रखी थी, मेरे छोटे वाले भाई को देख रही थी, तो मैं उसको लेकर आया था, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी मतलब बाइकें दिखी। और मेरे को पर्सनली मेरे को देखनी है एक तो R1 जो नई वाली है, और एक S2 डुकाटी भी शायद मैंने देख रखी है। तो थोटल शॉटल पे मतलब हो सकता है कि शायद मैं जल्दी पहुंच गया हूँ, तो थोटल शॉटल पे क्राउड था लेकिन थोड़ा कम था, मतलब सुपर बाइक है हमारे जाने जब हम निकल रहे थे तब आई थी काफ़ी सारी, तो काफ़ी टाइम भी हो रहा था और किसी काम से ही मेरे को जाना है। अब हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट मैं अभी लगवा नहीं पाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो मैं अपनी हेडलाइट की बनाऊँ। तो अभी जा रहे हैं हम घर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब महीना डेढ़ महीने के बाद मैंने संडे राइड करी तो काफ़ी मज़ा आया, तो आई होप कि आपको भी आया होगा मज़ा इस वीडियो में। तो अब नेक्स्ट वीडियो हो सका तो मैं हेडलाइट की बनाऊंगा। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो विजय ब्लॉग्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, और हेडलाइट मेरा बहुत लगवाने का मन है, तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हेडलाइट की बनाऊँ। तो
तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको, ओके बाय बाय, टेक केयर।